हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा का किचन। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो मैं आज आपके साथ में एक बहुत ही हेल्दी इडली की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इंस्टेंट इडली कैसे बना सकते हैं और काफ़ी हेल्दी, जिसे बच्चे बड़े सभी खाना बहुत पसंद करेंगे। इसे आप छोटी मोटी भूख में बना के खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और जल्दी से बन के रेडी हो जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो इडली बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने सूजी ले लिया है और यहाँ पे 2 बड़ा कप मैंने सूजी ले लिया है। और उसके बाद में जो है कि आपको इसके अंदर जो है कि सॉल्ट ऐड कर देना है। तो यहाँ पर जो है कि मैं अपने सूजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया, या टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। उसके बाद इसको जो है कि मिला देना है ताकि सूजी और नमक जो है कि अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं दही ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिया है, इसी से मैंने सूजी माप किया था। और 2 कप यहाँ पर मैंने सूजी लिया था और 1 कप जो यहाँ पे मैं दही लूँगी। तो थोड़ा थोड़ा दही डाल के इसको सूजी के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक साथ पूरा दही मत डालें, जितनी ज़रूरत हो उतना ही डालें। और यहाँ पर ज़्यादा खट्टी दही नहीं लेना है, नॉर्मल लेना है, बहुत ज़्यादा खट्टी भी ना हो। उसके बाद जो है मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और अच्छे से सूजी को और दही को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मतलब इसका एक पतला घोल बना लेना, बहुत ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी कम लगा तो मैंने और डाला, जितनी ज़रूरत हो उतना ही डाले, ज़्यादा एक साथ पानी भी ना डाले। और उसके बाद में इसको अच्छे से जो है कि मिला देना है। यहाँ पे अच्छे से मिला दिया, उसके बाद में इसको जो है कि 10 मिनट के लिए ढक के और इसी तरीके से छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद यहाँ पे मैं चेक करूँगी तो आप ये देख सकते हैं सूजी हमारी यहाँ पर बहुत अच्छे से फूल चुकी है और काफ़ी ठीक जो है इसका पेस्ट हो गया है, गाढ़ा पेस्ट हो गया। आप ये देख सकते हैं, इससे यह है कि हमारी सूजी अच्छे से जो है कि फूल गई है, दही और जो पानी था वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है जो है सूजी। उसके बाद ये काफ़ी गाढ़ा था तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका जो है कि जैसा इडली का बैटर होता है ना, उतना आपको बना लेना है। तो उसके बाद विस्टर की हेल्प से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी ताकि इसके अंदर जो है कि कोई भी लम्स ना रहे। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर दिया और आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी लम्स नहीं है, एकदम परफेक्ट इडली का बैटर बन के रेडी हुआ है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि मैं यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ऐड कर रही हूँ। टमाटर है, प्याज है, शिमला मिर्च है, हरी धनिया और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने ग्रीन चिली ली है। तो यहाँ पर प्याज को ऐड कर देंगे, जो भी सब्जियाँ कट करके रखी वो डाल देंगे। आपको जो पसंद है इसके अंदर सब्जी ऐड कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं जो आपको नहीं पसंद है। बच्चे अगर खाते हैं तो आप उसके हिसाब से जो है कि तीखापन जो मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर बच्चे को दे रहे हैं तो ट्राई करें कि आप उसके अंदर मिर्ची ना डालें। यहाँ पर मैंने 2 ऐड किया था। उसके बाद में इसको अच्छे से बैटर में मिला देना है, जो सब्जियाँ ऐड करी हैं उसको बैटर में मिला देंगे अच्छे से। इस तरह से इडली बनाकर देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसको बच्चे भी खाना बहुत पसंद करते हैं। ये बहुत ही अच्छा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता है और खाने में बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो उसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद में यहाँ पर इनो ऐड करेंगे फूलने के लिए, ताकि उसके बाद जो है कि यहाँ पे थोड़ा सा इनो ऐड कर देंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, और 1 चम्मच के करीब इसके ऊपर पानी डाल देंगे ताकि जल्दी से जो है इनो एक्टिव हो जाए। उसके बाद इसको अच्छे से एक ही डायरेक्शन में मिला देना है। ये देखिए, तो यहाँ पे बैटर हमारा बन के रेडी हो गया है और ऑलरेडी मैंने यहाँ पर जो स्टैंड था इडली का वो मैंने ग्रीस करके रख लिया था ऑयल के साथ में। अब इसको जो है कि फिल कर देंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मैं इडली को फिल कर दूंगी। इडली ये देखिए 1-1 चम्मच यहाँ पे मैं डाल दूंगी, सारे जो ये स्टैंड इडली के इसमें मैं डाल दूंगी 1-1 चम्मच। तो यहाँ पर देखिए मैंने फिल कर दिया। इसके बाद इसको टैप टैप कर देंगे ताकि इडली सेट हो जाए। उसके बाद में पानी रख दिया था, गर्म हो गया था। इसके अंदर जो ये स्टैंड है वो मैं सेट कर दूंगी इडली का और इसको ढक के और 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 15 मिनट के बाद यहाँ पे चेक करूंगी। तो ये देखिए 15 मिनट जो है कि हो गया था यहाँ पर, तो मैं चेक कर रही हूँ 15 मिनट के बाद में। ये देख सकते हैं, ये देखने में जितना टेस्टी लग रहा था ना, यकीन मानिए गाइस, बहुत टेस्टी बना था। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद एक नाइफ की फोक की हेल्प से मैं इसको जो है कि चेक कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी बैटर इसके अंदर नहीं चिपक रहा था। इसका मतलब ये था कि हमारा जो इडली है वो परफेक्ट हो गया था। जब इडली ठंडी हो जाए उसके बाद ही इसको जो है अनवोल्ड करें, वरना जो है कि इडली नहीं निकलती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से जो है कि एकदम ठंडा हो गया था, उसके बाद मैं इडली को निकाल रही हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कितना ईजली और आराम से इडली हमारा निकल गया और कितना ये फ्लफ़ी और मतलब फुला बना था। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, ये आप देख सकते हैं, देखकर ही मुँह में पानी आ रहा होगा। तो इस तरह से मैं सारे इडली को जो है कि निकाल लूँगी इस तरह से, और बहुत ईजली निकल गया था, आप ये देख सकते हैं।
ये देखिए तो इडली यहाँ पर मेरे सारे बनके रेडी हो गए हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पे सर्व कर लिया है। आप इसको चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं और इसको चाहें तो आप फ्राई करके भी खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसको सांभर के साथ, किसी भी चटनी के साथ आप खा सकते हैं। ये बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। जब भी मन करे आप छोटी सी भूख में, इवनिंग में बना करके और मॉर्निंग में भी खा सकते हैं इंस्टेंट इडली। ये खाने में सुपर डिलीशियस लगता है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।